जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो सबसे अलग हटके है। देखिए, हम लोग हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, सरकार क्या अच्छा करती है, क्या गलत करती है, उस सारे चीज़ों के बारे में आपको हम बताते रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ए टू जेड चीज़ बताते रहे हैं। लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया है। और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है, वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, 2018 की वैकेंसी, उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को ही भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दें, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए। और यहां हम गारंटी करते हैं, कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है, उसका ईमेल स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर, आधा घंटा एक घंटा पहले, कि ये क्वेश्चन आएंगे सब। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए, 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1,00,000 सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया, सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए, 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट एक महीना पहले, मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि यह वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था ये, इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया, 55 करोड़ लोग वोट भी दिए, अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में, इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए, स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां का कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं? आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है, ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाले भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। लड़कों का भी कहना एकदम सही है, एग्जाम होगा नहीं। अब खुद सोचिए, अगर 2019 में इलेक्शन करा लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं पता इन लोग को, लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब 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 इलेक्शन का पीरियड है। लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इसे इस सरकार को फर्श पर पड़ी थी इसे उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना, उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोचा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान
इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में, क्योंकि वो यूट्यूब पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां 75 पार्टी हिंदुस्तान में ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेके ढोते रहो। लेकिन हम लोग को देखिए ये जो विवाद है ये कोई राजनीति से विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टेट है उन स्टेट वालों की जो जॉब का एग्जाम है वो भी वही उसी हाल पे है जो रेलवे है, एसएससी है, आईबीपीएस है। ये जो तीनों चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब आप बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट कहती है हमने किया, तो भाई गड़बड़ हुआ तो भी तो आप कहिए ना कि हमने गड़बड़ किया। ये क्या कि भाई अच्छा अच्छा ठीक ठीक खराब हुआ तो हम नहीं किए। यहाँ पर आप ऐसे लोगों को जानबूझ कर दिया एसएससी रेलवे कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो तीनों संस्था है ये टॉप रिक्रूटमेंट बॉडी है सब इन लोग का। इन लोग की वैकेंसी हम रिकॉर्डेड बता रहे हैं। मोदी जी ने भाषण में क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब लेंगे, ये हम अपने पास से तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ही बोला था। और इनका ही समर्थन इसी 2 करोड़ वैकेंसी की बात को लेकर युवाओं में एक उत्साह था कि अब हमें 2 करोड़ वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आप गवर्नमेंट का ही डाटा देख के देखिए हर साल वैकेंसी घटते जा रही है। जो 2014 में वैकेंसी एसएससी 16,000 दी थी 2019 में 8,000 आ गया, आधा घट गया। आईबीपीएस जो 21,000 कभी वैकेंसी दी थी 2020 में आते आते उसका केवल 1100 वैकेंसी पे बच गया। इतना भयानक तो भाई जब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए हैं। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया को? सीईटी लियाओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ वहां पर। ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए भाई साहब जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या अब सैलरी इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो कैंसिल हो जाए कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए इन लोग को तो अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब। कोरोना के बीच में क्या कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया? कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहाँ पे लड़के ये प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेईई वाले नीट वाले कि भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं, आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए, देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट बाढ़ में जाए, मजदूर बाढ़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नहीं टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा वो। कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पर 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है आप लोग को? टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है? टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है? अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट,
पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर आप भी कुछ करिए। एक्चुअली क्या था कि हम अनाथ आश्रम को लेकर थोड़ा सा बिजी थे, हम घर पर नहीं थे। आप लोग भी देखेंगे स्टूडियो हम घर पर नहीं बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं। थोड़ा अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आई, वहां आए लड़कों को देखे। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत, कहां गए आप लोगों छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून, आप दिखाइए इसमें। राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास, एक बार फिर क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं, जिस समय आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली, आज वो वक्त आ गया। आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी। हर जगह से राज, एक एक राज्य को, यूपी बिहार आप लोग वालों के लिए तो या तो नौकरी करो या तो खेती करो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट की बात उठाइए, क्योंकि जब हर स्टेट से बात उठेगी तब समझ में आएगा कि नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। किसी एक जगह से अगर बात उठने लगेगी तो फिर इसे गवर्नमेंट कहेगी ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये किसी विपक्ष ने चालू किया होगा। लेकिन हर जगह से बात उठेगी। आप बताइए ना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो आपको टाइम से जॉब दे देता है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर, यूपी, बिहार, झारखंड, सबका तो यही हाल है, बंगाल से लेकर कहीं भी। किसको आप सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए, भाई साहब उनका कितना बड़ा सपना होता है 30-40 हज़ार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हज़ार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं? अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा। अब हम क्या, भाई साहब जनसंख्या हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून मत लाइए? 2 मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन रात आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995-2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं, इनकी समस्या नहीं है। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, कौन रोका है आपको? आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2-3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है, वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पर नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पर उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे यहां पर, हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए, दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितने भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी, फिर एक क्रांति आ जाएगी यहां पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाग, ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सर हद पार कर देता है यहां पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए, ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा? और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया जिनकी सरकारी थी, कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं एसएससी, रेलवे, ये क्या है? लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते हैं। गवर्नमेंट किस तरह से सोइए, आप सोचिए, लड़कों का रूम रेंट बेचारे जो दिल्ली में, कोटा में, पटना में, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां जहां पढ़ रहे थे, बेचारों का 30-30 हज़ार रुपया रेंट हो गया है, गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है। भाई साहब हम तो मकान मालिकों से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के आप भी थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखिए। हमारे पास लड़कों का कॉल आता है कि सर हम क्या करें, मेरा 30 हज़ार रुपया रूम रेंट हो गया है, रूम के अंदर 5 हज़ार का सामान है, सामान लेने जाएंगे 5 हज़ार का तो 30 हज़ार का रूम रेंट हो जाएगा, इसलिए हमने सामान छोड़ दिया कि भाई साहब रख लो। ये बताइए, एक लड़के से मजबूरी ने अपराध करा दिया, जो विद्यार्थी को आप कभी नहीं कह सकते कि विद्यार्थी बेईमान होता है, विद्यार्थी कभी चोर होता है, लेकिन मजबूरी में उसे आपने डाका डालने के लिए मजबूर कर दिया। क्या करेगा वो स्टूडेंट, कभी सोचा है कि इन स्टूडेंट के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में कहां से वो रूम रेंट देंगे? बेचारे किसान के घर के लड़के, मीडियम फैमिली के लड़के, घर
जाते हैं पढ़ने के लिए, जो लड़के भाग के आए हैं होली की छुट्टी में आए थे उनका सारा नोट्स वगैरह वहीं पे है, इसकी कोई चिंता नहीं है। लड़के कोटा में तैयारी करने वाले लड़कों का सारा नोट्स वहीं पे है और यहाँ एग्जाम ले लो कौन चीज, यहाँ चुनाव लड़ना है क्या कि कुछ बोल दो, यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करनी है, बेचारों का नोट्स वहाँ है, रूम रेंट से परेशान है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का दिक्कत है, अगर रूम रेंट के लिए करेंगे तो वोट ना चला जाएगा यार, स्टूडेंट को गोली मारो इनको कौन पूछता है, तो भूल जाएंगे 10 मिनट में ये ले लिया, ऐसा नहीं होगा। अभी स्टूडेंट भी बदल गया है, हमसे लड़का कहता है कि सर आप बोलते हैं एप्लीकेशन लाएंगे क्यों नहीं ला रहे हैं। लड़का कमेंट करता है कि सर आप वैसे ही एप्लीकेशन के बारे में बहाना बनाते हैं जैसे नेता बहाना बनाते हैं। मतलब लड़कों को भी पता है कि खान सर का जो एप्लीकेशन लाने में लेट हुआ ऐसा लक्षण नेताओं में होता है। सोचिए एक ब्रांड बन गया कि अगर कोई अपने वादे से मुकरता है तो कह दो नेता है क्या रे तुम। ये हाल हो गया, हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा, आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता है। सो लड़का हमको कहता है सर एप्लीकेशन ला यार। क्या एप्लीकेशन ला यार, क्या पढ़ाएंगे, खुद का मनोबल गिर जाता है, पढ़ा के क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं हो पाता है तो खुद से अंदर से इच्छा नहीं होती है किसी टीचर की जाके पढ़ाए। आज देखिएगा टीचरों को, हर स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप अपने टीचरों को देखिएगा, आप जहां भी पढ़ते हैं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगा। एक लड़का कहीं पूछ ना दे कि सर पढ़ा तो रहे हैं ठीक है, टाइम से सिलेबस भी खत्म होगा, एग्जाम होगा कि नहीं, क्या जवाब देंगे। लड़का बड़ा उम्मीद से पूछता है कि सर के पास पहुंच होगा, सर को पता होगा एग्जाम कब लोगे, क्या पता है हम लोग को कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप सब लोग जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां भी हैं, वहां इस पे आग लगा दीजिए, अपनी फोटो के साथ एकदम इसका ट्रेंड कर दीजिए। आप अगर फेसबुक पे हैं, अपने व्हाट्सएप के डीपी पे हर जगह लगाइए भाई, जस्टिस फॉर स्टूडेंट, हर जगह आप इसको फैलाइए। आप जिस हिसाब से भी काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ट्विटर पे तो ट्विटर पे आप हैशटैग इसको ट्रेंड कीजिए, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, इसको हैशटैग में ट्रेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिए ताकि सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे। और इस सितंबर में शिक्षक दिवस का ये महीना आता है, सितंबर में हर सोशल मीडिया पे एकदम वैसे ही वायरल कर दीजिए इस चीज को जिस तरह से विनोद वायरल हुआ था। फालतू का विनोद वायरल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहे, तुम ऐसे क्यों बोल रहे। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता है। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है। भाई कोरोना के बीच में हम क्या कर रहे हैं, हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए। भाई नया वैकेंसी आप कोरोना बाद निकालिएगा, हम कहां करें, कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए। क्या होगा, अब बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी देखिए, बिहार में तो गजब समस्या, पीर पूछला भी दरोगा का क्लियर ही नहीं हुआ, अगला दरोगा आ गया, पता चला जो पिछले बैठा था वो भी अब इसमें भरेगा, पता चला पीछे वाले में रिजल्ट हो गया, इसमें भी रिजल्ट हो गया, तो एक तो फालतू सीट लेके किया। हम अभी थोड़ी देर पहले बैंक में गए थे, वो थोड़ा सा अनाथ आश्रम के लिए पेमेंट वगैरह करना था, तो वहां पे हम गए ना तो पूछे लोग बैंक वाले, खान साहब कुछ वो चल रहा है ट्विटर पे सरकार के खिलाफ, हम कहें हाँ वैकेंसी वाला, तो कह रहे हाँ वो रेलवे वाला क्या और वो एसएससी वाला, उसका तो हम भी फॉर्म भरे थे। अब सोचो भाई वो लोग भी फॉर्म भर के, हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है, इसे आप राजनीतिक मत समझे। सरकार दे दे, हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। स्टूडेंट्स की ओर से हम ये एसएससी रेलवे इन सब को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना भड़ास हम लोग के पास निकालते हैं सर, हम लोग का जितना भी मैसेज में मैसेज, अब इतना मैसेज आ गया कि मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो रही है, इतना मैसेज का जवाब आदमी कहां से देगा। सबका एक ही बात है सर, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, जो एग्जाम है उनका डेट कब आएगा, नकल कब रुकेगी, ये सब के लिए आप बात उठाइए, वरना कोरोना के बाद जो एक भीड़ एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक हिंदुस्तान का, आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है, तब ऐसे स्टूडेंट, आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है, कोई शिक्षक ऐसे पागल नहीं हुआ है जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा, जो भी सोशल मीडिया है ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए, यूट्यूब पर जिस तरह से मोदी जी को समझ में आ गया ट्विटर पर भी समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं हमको तो ये लगता है कि मोदी जी इतने समझदार हैं, ऐसा बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई है जो बीच में उनको ये सब चीजें पहुंचने नहीं दे रहा, वरना उनको क्या शौक लगा है किसी को बेरोजगार घुमाने का। और अगर ऐसा है तो भाई बीच वाला जो है उसको देखिए, वरना कौन आदमी दोष किसको देगा।
कहेगा, अच्छाई होती है तो उन्हीं को कहेगा, गलत होगा तो उन्हीं को कहेगा। हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं होगे देंगे, और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए, आप अपने गार्जियन गली मोहल्ला हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है। हम लोग को ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आपके सामने लाए हैं। हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें दो चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी, और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है। अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।